हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहना। तो आज की वीडियो को देख के आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो भाई काफ़ी दिनों बाद आई है। काफ़ी दिनों बाद क्या, ये बोल लो हफ्तों बाद या फिर ये बोल लो पूरे एक महीने बाद वीडियो आई है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो में बने रहना। मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो इतना डिले क्यों हो गया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, या फिर ये कह लो भाई मैं बीमार हो गया था, या फिर ये वो ये कह लो कि घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से नहीं आ पाया, या फिर ये बोलो थोड़ा बहुत स्टडी की वजह से रह गया। तो इसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि वीडियो डिले क्यों हो गया था, वीडियो इतना लेट क्यों हो गया था। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था, शायद मुझे इतना ध्यान नहीं है, एक महीने पहले डाला था मैंने वो वीडियो। उस वीडियो के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, टाइम मिला तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैंने संडे को कहा था जो मैंने स्टोरी डाली थी, और थैंक यू अगेन, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने भाई मुझे पूछा इंस्टाग्राम पर, बार बार मैसेज किए कि भाई वीडियो क्यों लेट आ रही है, भाई वीडियो का क्या कारण है, तुम यूट्यूब क्यों क्यूट कर रहे हो। तो सब चीज़ें मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में, मैं बारीकी से सब चीज़ विस्तार से बताऊंगा कि वीडियो डिले क्यों हो गया था, और आपका जो टेक्निकल भाई है वो क्यों था, परेशान था, यूट्यूब क्यूट कर रहा था, स्टडी की वजह से, बीमारी की वजह से, एंड एवरीथिंग जो भी था भाई इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ मैं, तो वीडियो में बने रहना। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वीडियो आई थी हमारी लास्ट वीडियो, उसके बाद आ गई ये वीडियो। तो पहले मैं बता दूं, मैं वीडियो अपना कंटिन्यू बनाता था, संडे को मुझे टाइम मिलता था तो मैं संडे को वीडियो बनाता था, और बाहर का थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं बनाता था वीडियो, अच्छा चल रहा था यूट्यूब पर, थोड़ा सा आप सपोर्ट कम कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, व्यूज़ आता है ठीक है, लेकिन भाई ये तो आप सोचो कि 17,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके हिसाब से इतना व्यूज़ नहीं आता है, क्यों? 17,000 सब्सक्राइबर के हिसाब से अगर आप व्यूज़ आएंगे, मान लो हर वीडियो पर 1,000 व्यूज़ आए, 2,000 व्यूज़ आए, 3,000 व्यूज़ आए, तो मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने का। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं भाई ये बोलो मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, लेकिन अगेन दोबारा आ गया हूँ मैं, वीडियो बनाऊँगा। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लाल सी बटन आपको दिख रही होगी उस पर थप्पड़ मारना या भूसा मारना या फिर केक मारना, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग मैं बीमार हो गया था, उसके बावजूद मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा था, 3 हॉस्पिटल चेंज हो गए थे। अब आप ये पूछ रहे होंगे भाई क्या हो गया था, कोविड था क्या था भाई? तो ये ज़्यादा मत सोचना भाई, डेंगू हो गया था, डेंगू एक तरह का बुखार होता है भाई, तो वो हो गया था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसकी वजह से 3 हॉस्पिटल चेंज हुए थे, तो कुछ दिन रिलीफ नहीं मिला था, फिर रिलीफ मिलने के बाद डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, घर पर आराम करने के लिए बोला था। तो इसकी वजह से मेरे खुद स्कूल के एग्ज़ाम भी रह गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए। तो एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी कि मैं यूट्यूब क्यों क्यूट कर रहा हूँ। तो मैं YouTube की बता दूं कि मैं YouTube क्यों क्यूट कर रहा हूं, तो इसमें कोई ज़्यादा खास बड़ी वजह नहीं है। तो इसमें सिंपल सा मैं बता दूं, YouTube में इसलिए क्यूट कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो मैंने इसमें सोचा था भाई व्यूज़ नहीं आते थे ज़्यादा, और फिर वही टाइम भाई अपना इतना इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, और फिर उसकी तरफ से जब हम इतना टाइम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी तरफ से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो थोड़ा सा भाई दिमाग बोलता है कि जब कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। तो इस वजह से मैंने एक बारी सोचा था कि भाई क्यूट कर दूं, लेकिन अब नहीं क्यूट कर रहा हूं, वो भी आप सबकी वजह से। दूसरी चीज़, मैं अपना चैनल सेल कर रहा था, मतलब मैं अपने चैनल को बेच रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दूँ। वहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं जो वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भाई चैनल को क्यों बेच रहे हो, ऐसी क्या दिक्कत आ गई आप चैनल को बेच रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं चैनल को नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि वैसे कुछ भाई लोगों ने मुझे बताया कि मैं 8,000 दूंगा इस चैनल का, किसी ने कहा 10,000 दूंगा, तो किसी ने कहा 3,000 दूंगा, तो किसी ने कहा 500 दूंगा। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे नमस्ते की, मैंने कहा आप लोग अपने घर जाइए, अब मैं अपना चैनल नहीं बेच रहा हूं। बेशक कंटेंट लेट आएगा, वीडियो लेट आएगी, लेकिन वीडियो आएगी ज़रूर, ठीक है, वीडियो आएगी ज़रूर, और चैनल पर आप लगातार बने रहना, सब कुछ आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कंटेंट को चेंज कर दें, आप सबकी राय है, आप पूरी बात सुनना, मैं कंटेंट को क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ, कैसा कंटेंट आएगा, ऐसा कंटेंट क्यों आएगा, और इस वीडियो में बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो जल्दी से जाके चैट बॉक्स में कमेंट करना जो मैंने आपको बातें बताई हैं,
वो सही है या नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा होगा टेक्निकल वाइज सच बोल रहा है तो एक लाइक कर देना। तो अब मैं कंटेंट के बारे में आपको बता दूँ, मैं कंटेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कंटेंट चेंज करने के लिए, क्योंकि भाई जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, टेक वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, या फिर ये बोल लो गिव अवे वीडियोस, जो भी हैं ये वीडियोस हैं, इनमें इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता हूँ। मिलता है बोले तो एवरेज मिलता है। कंटेंट को चेंज करके जो ये टेक वीडियोस हैं, ये यूट्यूब टिप्स हैं, ये वीडियोस भी आया करेंगी। जैसे वीक में मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस तो नहीं बना पाया करूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियोस बड़ी नहीं तो कम से कम जो अब YouTube का नया फीचर आ गया है, तो थैंक्स टू YouTube जिसने हमें एक नया फीचर्स दिया है YouTube Shorts, जिसमें हम अपनी शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं और अपनी पब्लिक तक, अपने सब्सक्राइबर तक उन वीडियोस को पहुंचा सकते हैं, जो उन वीडियोस के माध्यम से सब्सक्राइबर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वो जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनमें हमें कम टाइम लगता है एडिटिंग में भी, अपलोडिंग में भी, और बनाने में भी, रिकॉर्ड करने में भी। तो एक चीज़ ये है, अब से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कंटेंट चेंज करूँगा, और उस कंटेंट में थोड़ी सी फैक्ट वीडियोस आया करेंगी, थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस आया करेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आया करेंगी, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड करेंगी, और फैक्ट वीडियोस आया करेंगी, नॉलेजेबल वीडियोस आया करेंगी, थोड़ी सी इंस्पायरिंग वीडियोस आया करेंगी, जिससे कि आप सबको कुछ नॉलेज मिल सके, जिससे कि आप सबको कुछ गाइड मिल सके। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना अच्छा अपना 100% दूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आप थोड़ा सा इंतज़ार और करना इस वीडियो को देखने के बाद। तो भाई बीमार हो गया था पहली चीज़, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। दूसरी चीज़, घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको विश्वास नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर फोटो डाल दूंगा अपने साथ, और कहोगे तो एक छोटी सी क्लिप वीडियो भी बना के डाल दूंगा। दूसरी चीज़, और दूसरी तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कंटेंट चेंज करने के बारे में, सोच रहा हूँ मैं जो यूट्यूब टिप्स हैं वो वीडियोज़ भी आया करेंगी, और फैक्ट वीडियोज़ भी आया करेंगी, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस, जिससे कि आप सब थोड़ा सा भी इंस्पायर हो सको, ऐसी वीडियोस अब इस चैनल पर आया करेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस आया करेंगी, और हफ्ते में एक वीडियो या दो वीडियो लॉन्ग आया करेंगी, और डेली एक या दो शॉर्ट्स वीडियोस आया करेंगी। एग्री और नॉट? अब मुझे पता है आप सब एग्री होंगे, अपने भाई को भाई मना नहीं कर सकते, और जो सब भाई, जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फैमिली से रिलेटिव हैं, वो भी ये मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, उन्हें तो पहले से ही पता था कि मैं बीमार था, तो भाई अगर उन्हें पता था तो वो कमेंट जाके कर दें कि भाई टेक्निकल भाई हमें पहले से पता था, ताकि जो और भाई लोग हैं वो कमेंट करें तो उनको थोड़ा सा बिलीव हो जाए। और वैसे ये दुनिया है जो बिलीव पर टिकी हुई है, बोले तो बिलीव, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो वीडियो को लाइक करोगे, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, जिनसे कि एकदम हटके वीडियोज़ आएंगी, उनके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियोस को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सबकी वजह से मुझे स्टोरी फीचर मिल चुका है, जिससे कि मैं 15 सेकंड की स्टोरी वीडियोस डाल सकूंगा, जैसे कि अमित बढ़ाना है, और आशीष संचलानी है, कैरी मिनाटी है, ये जो शॉर्ट्स वीडियोज़ डालते हैं भाई, ये तो खैर काफ़ी बड़े यूट्यूबर हो गए, लेकिन जिनका भी बोले तो 1,00,000 सब्सक्राइबर होता है उनको ये फीचर्स मिलता है, लेकिन मुझे जल्दी फीचर मिल गया, या फिर ये बोल लो मोनेटाइजेशन के बाद ये फीचर मिलता है, या फिर ये बोल लो 50,000 सब्सक्राइबर के लगभग ये फीचर हमें मिलता है, तो ये फीचर मुझे जल्दी मिल गया, वो भी आप सबकी प्यार की वजह से। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और चैनल पर बने रहना, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।